कोरोना वायरस के संकट के बीच मोदी सरकार ने 75 करोड़ लोगों को राहत दी है। इस राहत में लोग एक बार में 6 महीने का राशन उठा सकेंगे, ये जानकारी मंत्री रामविलास पासवान ने दी। इससे पहले ज्यादा से ज्यादा 2 माह का अनाज समय से पहले उठाने की छूट थी। देश में फैले घातक कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि राशन की दुकानों से सस्ता अनाज पाने के हकदार 75 करोड़ लोगों को 6 माह का राशन एक साथ उठाने की छूट दी जाएगी। अभी उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 माह का अनाज समय से पहले उठाने की छूट है। केवल पंजाब सरकार है जिसने लोगों को 6 माह का कोटा एक साथ उठाने की अनुमति दे रखी है। इसकी जानकारी देते हुए खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि हमारे गोदामों में अनाजों का पर्याप्त भंडार है। हमने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे गरीब लोगों को 6 माह के अनाज का कोटा एक साथ उठाने की छूट दें। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि ताकि आगे किसी प्रकार की पाबंदी के लागू होने पर लोगों को अनाज पाने में दिक्कत ना हो। यहाँ बता दें कि सिर्फ पंजाब सरकार ने सभी लोगों को 6 माह का कोटा एक साथ उठाने की अनुमति दे रखी है। पासवान के मुताबिक इस समय सरकारी गोदामों में 4,35,00,000 टन अधिक अनाज पड़ा हुआ है जो सुरक्षित बफर स्टॉक की जरूरत से अधिक है। इसमें से 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख टन गेहूँ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के लिए अप्रैल में बफर में 135 लाख टन चावल और 74.2 लाख टन गेहूं का भंडार सुरक्षित माना जाता है। कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार अब साबुन, फर्श एवं हाथ की सफाई वाले क्लीनर और थर्मल स्कैनर जैसी वस्तुओं के दामों पर भी बराबर नजर रखे हुए है। पासवान ने कहा, हम 3 और वस्तुओं साबुन, डिटॉल और लाइजोल जैसे फर्श एवं हाथ साफ करने के तरल क्लीनर के साथ साथ थर्मल स्कैनर के दामों पर निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के डर से इनकी मांग बढ़ गई है। इन वस्तुओं के मूल्यों पर देश भर में 114 स्थानों पर नजर रखी जा रही है।